विशेष राज्य का दर्जा दो,
कौन देगा? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आके देंगे, तो मोदी जी देंगे। तो इसलिए सुनो, आज तक हम लोगों ने भाजपा के सामने घुटना नहीं टेका, और इस बार देखो 10 तारीख को हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कहेंगे कि लालटेनवा का युग गया, लालटेन का युग गया। सुनो बात सुनो, वो आएंगे कहेंगे लालटेन का युग गया, तो हम नीतीश कुमार जी से बड़े प्यार और आदर के साथ पूछना चाहते हैं, तो तीर का कहां जमाना, आप तो मिसाइलें मार रहा है। अरे ऐसा तीर है कि बिना धनुष के, इस तीर ने बिहार को लहूलुहान किया है, नौजवान के छाती पे मारा नीतीश जी ने, गरीब के छाती पे मारा है, किसान के मजदूर के छाती पे ये तीर चलाने का काम किया है। अरे नीतीश बाबूजी, आपको तो हम इतना कहना चाहते हैं कि अगर बेरोजगारी का अंधकार मिटाना है तो लालटेन का प्रकाश चाहिए, गरीबी का अंधकार मिटाना है तो लालटेन का प्रकाश चाहिए। लेकिन ये बात उनको समझ में, सभी नेता पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्तागण, आरजेडी के, कांग्रेस पार्टी के, लेफ्ट के, सीसीआई के, सीसीएम के, माले के, सभी लोगों का नाम ले रहा हूं, क्या खड़ा है बेला से सुरेंद्र जी, आपका हतुमपुर से सतीश दास जी, इधर गया से कांग्रेस पार्टी से मोहन श्रीवास्तव जी, और कई गले हैं, तीन जगह के यहाँ लोग उपस्थित हैं। ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, 5 मिनट में हम चले जाएंगे, मेरा बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पीछे दस तारीख को परिणाम आने वाला, 15 साल से बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, डबल इंजन का सरकार है। देखो नवरात्रि का सबसे पहले मेरा शुभकामना ले लीजिए, हम कलश बैठा है, स्थापना हमने कलश की है और हमने संकल्प लिया है। आप बताइए 15 साल में, 15 साल में बेरोजगारी हटा है कि बढ़ा है? एको कारखाना लगा, महंगाई इतना चरम सीमा पर है, एक भी गरीबी का गरीब का गरीबी नहीं दूर हुआ, पलायन नहीं रुका। तो 15 साल में जो व्यक्ति जिसको मौका मिला वो कुछ नहीं कर पाए, ना गरीबी मिटा पाए, ना पलायन रोक पाए, ना भुखमरी मिटा पाए, ना रोजगार दिला पाए, ना कल कारखाना लगवा पाए, ना सबको पक्का मकान दिलवा पाए, ना खेत को सिंचाई पानी की व्यवस्था करवा पाए, मजदूरों का केवल शोषण किया और नौजवानों को ठगने का काम किया। देखिए बता दीजिए, 10 तारीख तक हमको कहेंगे रिजल्ट आज, बता दीजिए बेला का क्या होगा, महागठबंधन के प्रत्याशी को देने का काम कीजिए। देखिए सुनिए, हम ज्यादा नहीं कहेंगे, नारा लगाने से कुछ नहीं, बात समझना होगा, रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए, कितना लोग बेरोजगार है, हाथ उठाकर बेरोजगारी का केंद्र बन गया, पलायन भी सबसे ज्यादा यहाँ, गरीबी भी यहाँ, भुखमरी भी यहाँ, बेरोजगारी भी बिहार में। हम ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे, हम बस एक मौका मांगना चाहते हैं आप लोगों से, एक मौका मांगना चाहते हैं, क्या 5 साल के लिए अपने भाई बेटा को, इस नौजवान को मौका दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ उठा के बोले दीजिएगा,
पे भरोसा कीजिएगा, आपका भाई आपका बेटा जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा 10 तारीख को पंडुकी जी का विधायक है। 10 तो क्या है, विधायक है, किसका है? आपका गरीब का सरकार बनेगा, किसान का सरकार बनेगा, मजदूर का सरकार बनेगा, नौजवान का सरकार बनेगा। मेरा अगर पहला कलम मुख्यमंत्री रहते हुए चलेगा तो पहला कैबिनेट और पहला मंत्रिमंडल में दस्तखत करेंगे। 10 लाख नौजवानों का रोजगार, देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी। पहुंचने के लिए सभी मानकों को मानते हुए 5.5 लाख कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा हम बताते हैं, कहां से मिलेगा? स्कूल जाते हैं और टीचर चाहिए रहता है, पुल बन जाता है फिर टूट जाता है, नीतीश जी के राज में भ्रष्टाचार का खेल होता है, जूनियर इंजीनियर खाली है, डॉक्टर खाली है, नर्स खाली है, चपरासी पियून खाली, क्लर्क खाली है, दरोगा का पद खाली, तो सिपाही का भी पद खाली है। नौजवान सब सुरेंद्र जी ठगा गया, जाता था सब सिपाही बहाली में धांधली हो गया, माँ बाप सब पढ़ाया लिखाया, कई लोग को डिग्री दिलवाया पेट काट करके, सोचा कि बुढ़ापा का सहारा बनेगा, बबुआ के नौकरी लग जाता हूँ सरकारी नौकरी तो बाल बच्चा हो गया, बाल बच्चा के डिग्री हो गया, ट्रेनिंग हो गया, कोचिंग हो गया, और नौकरी हो ही नहीं रहा, कितना ना घूसो दे दिया तो भी नहीं हुआ। बताओ कितना साल से फार्म भर रहा नौजवान, बताओ कितना कितना भरता, 500-700 तुम भर रहा, आना जाने का किराया, आना जाने का भाड़ा, चप्पल नहीं घिसा है जूता खिसा है। भाइयों आपका भाई मुख्यमंत्री बनेगा तो फॉर्म का फीस माफ कर देगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और ये वो नहीं, परीक्षा केंद्र में जाओगे तो उसका भाड़ा भी हमें दूंगा, सारा सरकारी व्यवस्था होगा, बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ देखो जो काका हो जाए टुकुर टुकुर देखे तो नहीं पूछो, वृद्धा पेंशन मिलता है नहीं, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता, समय मिलता है, घुसखोरी हो जाता है, किसी का हक खा जाता है, कोई और लेके चल जाता है, और इस महंगाई के समय 400 रुपया मिलता है। मेरा सरकार हमारा सरकार बनेगा महागठबंधन का तो 400 से विधवा पेंशन 1000 कर देंगे। कितना आंगनबाड़ी वाली दीदी है, जीविका दीदी है, आपका विकास मित्र है, आशा वर्कर है, स्वयं सहायक जितना समूह है, हमारी सरकार बनेगी तो नियमित करेंगे और मानदेय 4000 तक पहुंचाएंगे। ये सारा काम करना होगा, बिजली का उत्पादन अभी कौन कर रहा है, बिहार सरकार तो खरीदती है और महंगा में आप लोगों को बेचती है, बिचौलिया का काम कर रही है। हमारी सरकार रहेगी तो बिजली यही पैदा करेंगे, यहाँ पैदा होगा बिहार में बिजली पैदा, तो मान लो आपका 500 रुपया आता है बिजली का बिल तो 250 हो जाएगा, जिसका 200 आता है बिजली का बिल उसका 100 हो जाएगा, आधा रेट हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को?
देखो भाई हम ठेठ बिहारी वाले हैं, चाहता रहो वालों की हम जो कहता है जरूर कर रहे हैं। हमारा डीएनए भी शुद्ध बा, एक मौका बनता है कि नहीं बनता, एक मौका मिलेगा पहला कदम चलेगा तो आवाज नहीं आना पीछे से भी आना चाहिए। इतिहास रचने का काम करेंगे, इतिहास रचेंगे। नीतीश कुमार जी आएंगे बोलेंगे कि लालटेनवा का युग गया, लालटेन का युग गया। सुनो हाँ सुनो, वो आएंगे कहेंगे लालटेन का युग गया, तो हम नीतीश कुमार जी से बड़े प्यार और आदर के साथ पूछना चाहते हैं, तो तीर का कहाँ जमाना, तो मिसाइलें मार रहा है। ऐसा तीर है कि बिना धनुष के, इस तीर ने बिहार को लहूलुहान किया है, नौजवान के छाती पे मारा है नीतीश जी ने, गरीब के छाती पे मारा है, किसान के मजदूर के छाती पे और तीर चलाने का काम किया है। अरे नीतीश बाबू जी, आपको तो हम इतना कहना चाहते हैं कि अगर बेरोजगारी का अंधकार मिटाना है तो लालटेन का प्रकाश चाहिए, गरीबी का अंधकार मिटाना है तो लालटेन का प्रकाश चाहिए। लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं आ रहा, उनका तीर का निशान देखिएगा हमेशा उल्टे हैं, ज्यादा कुछ नहीं। देखो भाई हमारी लड़ाई सीधे भाजपा से है, नीतीश कुमार जी को ट्रैक्टर नहीं, हमारी उनसे लड़ाई नहीं है, खत्म हो चुके हैं, थक चुके हैं बिहार नीतीश कुमार जी से संभलने वाला संभलेगा क्या, उनसे नौजवान को मौका मिलेगा ना। अरे तो देखिए ये सब आएगा भाजपा वाला सब बोलेगा जात के नाम पे लड़ाएगा, देखो हम नया सोच के हर जात को लेके चलेंगे, अगर आप पिछड़ा दलित आदिवासी अति पिछड़ा और विशेष सब लोगों को माइनॉरिटी के लोगों को सबको लेके चलेंगे साथ में, हर जात हर धर्म हर वर्ग को लेके चलेंगे साथ में। बीजेपी वाला आएगा तंगा फंसा कहेगा हे लोग मुसलमान इस चक्कर में नहीं पड़ना, इस बार मांगना रोजगार, बोला कहा गया डबल इंजन के विकास बिहार में विशेष राज्य का दर्जा दो, कौन देगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो मोदी राज्य करेंगे। तो इसलिए सुनो, आज तक हम लोगों ने भाजपा सबके सामने घुटना नहीं देखा, और इस बार देखो 10 तारीख को हम सरकार बनाने जा रहे हैं, आप सब भागीदार बनेंगे उसका, बताओ बनोगे कि नहीं बनोगे, कोई बात को लेकर के विफल होंगे तो उसके लिए हम माफी मांग लेते हैं, कोई बात को लेकर के विफल होंगे माफी मांग लेते हैं। तो देखिए लड़े के बाद कड़े के बाद और जीते के बाद जितने लोग यहाँ आए एक एक आदमी 10-10 फुट दिलाने का काम करेगा, दिलाइएगा ना, तो हम ज्यादा कुछ नहीं लेके हम कंफर्म जाए ना। और देखियो जदयू से आरजेडी बहुत लोग आए, मोहम्मद अमजद जी आए हैं, मशूक अहमद जी आए, राम विजय सिंह कुशवाहा जी आए, विनोद कुमार तांगी जी आए, क्या सुधीन जी आए, राम प्रवेश दांगी जी आए, मोहम्मद वही जी आए, मोहम्मद एहतराम जी आए, आनंद कुमार कुशवाहा जी है, शैलेंद्र कुमार दांगी जी है, असगर इमाम साहब है, भोला पासवान है, शशि पांडे है, राजेश कुमार दास है, मोहम्मद शहीद आलम है, मोहम्मद एहतराम शैलेश दांगी जी है, दांगी संघ के अध्यक्ष है, ये शैलेश दांगी जी है, दूसरा
संजय कुमार गुप्ता है, इंद्रदीप दास है, विजय राम है, सचिन जदयू के खिलाफ हल्ला बोल, अत्याचार के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, अफसरशाही के खिलाफ हल्ला बोल, बेरोजगारी के खिलाफ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।